हेलो फ्रेंड, बंदा दी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू की सब्जी बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल भंडारे जैसी। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? आधा केजी आलू चाहिए, तेज पत्ता चाहिए, फूल चाहिए, खड़ा धनिया चाहिए, दो बड़ी इलायची चाहिए, दालचीनी चाहिए, जायफल चाहिए, लौंग चाहिए, चार पांच काली मिर्ची चाहिए, 8-10 अमचूर पाउडर चाहिए, हींग चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए, लाल मिर्ची चाहिए, लाल मिर्ची पाउडर, नमक चाहिए, जीरा चाहिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, टमाटर, धनिया पत्ती और ऑयल। अब फ्रेंड, हम ये गरम मसाला है उसको भून लेंगे, हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। अगर फ्रेंड आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड ये हल्की रोस्ट हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। हेलो फ्रेंड, जो मसाले हमने रोस्ट किए थे वो हल्के हल्के इसमें कूट लेंगे। तो फ्रेंड अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, ये गरम हो जाएगा। फ्रेंड ऑयल गरम हो गया है, हम इसमें जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता, फूल डाल देंगे। ये मसाला भुन गया है और इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची भून देंगे और इसमें हम टमाटर डाल देंगे। हींग डाल देंगे, ये भून रहे हैं, ये भून टमाटर हो चुके हैं, इनको हम हल्के आँच से मैश कर लेंगे जिससे कि मुंह में ना आए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसको टमाटर अच्छे नहीं लगते, तो हम अच्छे से मैश कर लेंगे तो उसमें दिखेंगे नहीं। फिर हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, किसी को तीखा पसंद होता है किसी को नहीं। इसमें हम अमचूर डाल देंगे, अमचूर पाउडर और सॉरी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से भूंज लेंगे जब तक ये सारा तेल भूज कर निकलना बाहर ना आ जाए। तो फ्रेंड जो मसाले हमने भूने थे वो मसाले हम इसमें डाल देंगे और जायफल को पीस देंगे हल्का सा, इससे अलग ही टेस्ट आता है। और फ्रेंड मैं कस्तूरी मेथी बताना भूल गई थी, हम इसको भी डालेंगे अच्छे से क्रश करके, इसका अलग ही स्वाद आता है और खाने में भी अच्छी रहती है। हाँ तो फ्रेंड मसाला भुन चुका है, हम इसमें आलू डाल देंगे क्रश करके। तो अच्छे से भून लेंगे इनको। तो फ्रेंड ये भून चुकी है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमको इसमें इतना पानी डालना है कि पूरी और चपाती के साथ खा सकें। इसको ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड अब हमारी सब्जी ये तैयार है, और हम साफ करने के लिए इसको एक बर्तन में ले लेंगे। तो फ्रेंड अब हम साफ करने के लिए इसमें धनिया पत्ती डाल दें। अब हमारी ये सब्जी तैयार है, रोटी
या पूरी के साथ आप खा सकते हैं।